नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी नसीहत दे दी और ये नसीहत उसी क्षेत्र में जाके नीतीश कुमार ने दी है जिस क्षेत्र में गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की इस नसीहत पर बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा और गिरिराज सिंह को भी गौर करना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो काफी अरसे के बाद नीतीश कुमार ने आज एक जनसभा को संबोधित किया, वो विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के लिए कटिहार में थे और कटिहार में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया काफी अरसे के बाद। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो दिन पहले इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने बोलना छोड़ दिया है, उनको बोलने से कौन रोक रहा है, और आज देखिए उन्होंने एक जनसभा में अपने पुराने अंदाज में भाषण दिया, जनसभा को संबोधित किया। उसी जनसभा में उन्होंने अपनी जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि हमने अपने शासनकाल में 20 साल के शासनकाल में सबके लिए काम किया है, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया है, सभी जातियों के लिए काम किया है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, उच्च वर्ग के लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी वर्गों के लिए काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है हमने, और ना पहले की जो सरकारें हुआ करती थी वो भेदभाव करती थी, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने ये तो कहा कि हमने सबका विकास किया है, साथ में ये भी कहा मुसलमानों को खासतौर पर, चूंकि कटिहार भी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, 40% के लगभग में वहां पर अल्पसंख्यक है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा कि वो इधर उधर न करें। अब इधर उधर मुसलमान क्या कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें क्यों कही है। ये बात सच है और लगातार बोलते भी रहे हैं नीतीश कुमार कि मुसलमानों के लिए जितना काम उन्होंने किया है उस हिसाब से मुसलमानों का समर्थन उनको नहीं मिला है। मुसलमान हैं जेडीयू में, लेकिन जितना समर्थन आरजेडी कांग्रेस को मुसलमानों ने दिया है उतना कभी जेडीयू को नहीं दिया। उसका सीधा फार्मूला यह है कि मुसलमान उसी के साथ जाते हैं, उनका वोट उसी के जाता है जो बीजेपी को हराएगा। इस बार अब तो बिहार में जो 4 विधानसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है उसमें प्रशांत किशोर ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है जनसुराज पार्टी से, तो इसके मतलब एक सेमीफाइनल हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में कितना उनको कितनी बढ़त मिलती है इसका इससे अंदाजा लग जाएगा कि जो आम चुनाव होने वाले हैं 25 में उसमें जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी। और जनसुराज का भी ये दावा है कि मुस्लिम वोटर उनके साथ भी हैं। वैसे तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक मुश्त वो वोट डालते हैं इस अंदाज में कि बीजेपी को हराना है, लेकिन जनसुराज कितना मुस्लिम वोटरों को आकर्षित कर पाता है ये देखना होगा। और अभी हाल ही में जनसुराज ने एक सम्मेलन भी किया था मुस्लिमों को लेकर, तो काफी संख्या में मुस्लिम आए थे, इसलिए ये दावा भी किया जाता है, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होता है ये महत्वपूर्ण है और ये सोचने वाली बात है। तो नीतीश कुमार ने एक तरह से मुसलमानों को भी कहा है कि आप इधर उधर ज्यादा न कीजिए, और उन्होंने गिरिराज सिंह को भी कहा है कि देखिए भाई, आप केवल हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, हमने तो सबके लिए काम किया है, हमने हिंदू मुस्लिम सबके लिए समान रूप से काम किया, सबके उत्थान के लिए काम किया है। तो नसीहत ये दोनों तरफ है। वैसे अगर देखा जाए तो बीजेपी ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा से अपने आप को अलग ही रखा है, मतलब एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है
क्योंकि ये यात्रा है हिंदू स्वाभिमान यात्रा या पूरी तरीके से गिरिराज सिंह की यात्रा है। उनकी छवि भी है हिंदुत्व वाली, वो लगातार इस विषय पर बोलते भी रहे हैं, आक्रामक रहे हैं। कहीं भी कोई घटना होती है तो गिरिराज सिंह आक्रामक रूप से हिंदुओं का पक्ष रखते हैं और इसलिए उनको फायर ब्रांड नेता भी कहा जाता है। तो ये जो कार्यक्रम होगा ये अपने आप में एक बड़ा, बहुत बड़ा एक प्रयोग है, एक टेस्ट है, एक जांच है गिरिराज सिंह के लिए भी और उस इलाके के जो डेमोग्राफी है, उस इलाके की डेमोग्राफी है उसको देखते हुए कि उस इलाके के जो मतदाता है, खासतौर पर हिंदू मतदाता है, उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो बीजेपी भी इस चीज पर नजर रखेगी, नीतीश कुमार की भी नजर रहेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गिरिराज सिंह की जो छवि है हिंदुत्व वाली, उस छवि को इस यात्रा के जरिए वो छवि विराट होगी। क्योंकि देखिए आने वाले चुनाव में अभी बहुत कुछ होना है, एनडीए ठीक है सब कुछ है लेकिन अभी काफी कुछ इसमें बदलाव भी हो सकता है समय के साथ, स्थिति परिस्थिति राजनीति में बहुत मायने रखती है। तो गिरिराज सिंह भी अपने आप को अपने हम क्या कहें उनको अपने अपनी छवि को और धारदार बनाने की तैयारी में है और इस बात पर ये सारा कुछ निर्भर करता है कि वो यात्रा के दौरान क्या बोलते हैं, उनके भाषण में क्या क्या बातें आती हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनकी शैली कैसी है। वो देखिए चूंकि नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर काफी सजग रहते हैं और उनकी छवि उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपनी छवि को सेकुलर बनाकर रखा है, कुछ काम भी उन्होंने किए ऐसे जो सांप्रदायिकता के नाम पर उन्होंने बीजेपी के साथ एक बार सबसे पहले अपना गठबंधन तोड़ लिया था। तो ये बात है नीतीश कुमार में और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि अंतिम समय में आके लोग उनको उनके सेकुलरिज्म पर उंगली उठाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। गिरिराज सिंह को अपनी छवि को भी धारदार बनाना है, बीजेपी को अभी साथ में रहना है नीतीश कुमार के। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो गिरिराज सिंह की यात्रा जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये काफी राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 18 तारीख से शुरुआत है, भागलपुर से कटिहार जाएंगे गिरिराज सिंह, उसके बाद पूर्णिया जाएंगे, उसके बाद अररिया जाएंगे, उसके बाद किशनगंज जाएंगे। तो ये पूरा इलाका ही अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर हालांकि ये पूरे बिहार में यात्रा करने वाले हैं, प्रथम चरण में उन्होंने शुरुआत की है वहां से, तो बहुत सारी बातें हैं उनको बोलने के लिए। वो बात कितनी हजम हो पाती है, खासतौर पर बिहार में जो एनडीए की सरकार है, ये सब पर नजर रहेगी हमारी, आप भी नजर बनाए रखिए। और चूंकि मैंने कहा है कि अगले चुनाव तक काफी कुछ बिहार में हो सकता है, तो इस पर भी आप मंथन कीजिए, सोचिए कि क्या कुछ हो सकता है और हम भी आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।